X9 News Political Bite। दोस्तों मैनपुरी में इस वक्त कांटे की टक्कर जो थी वो कांटे की टक्कर एक तरफा जीत में तब्दील हो गई है। जी हाँ, डिंपल यादव की जीत जो है तय मानी जा रही है। डिंपल यादव की वोटों की अगर मैं बात करूं तो 45,000 वोटों से आगे चल रही है और अभी 11 बजे तक का डेटा आपको देखिए बता रहे हैं। हमारे पास जो खबर सामने आ रही है दोस्तों 11:18 इस वक्त हो रहा है जिस वक्त मैं ये खबर शूट कर रही हूँ, और 11 बजे तक का जो डेटा है उसके मुताबिक 1,00,000 का आंकड़ा जो है, जी हाँ 1,00,000 का आंकड़ा डिंपल यादव ने क्रॉस कर लिया है, जिसे लेकर डिंपल यादव की तारीफ की जा रही है कि वाकई देखिए मुलायम सिंह यादव के गढ़ में अगर वाकई डिंपल यादव को अगर किसी को समर्थन इतना ज्यादा मिला है तो वो डिंपल यादव है। और डिंपल यादव को देखिए साफ तौर पर यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ ना सिर्फ समर्थन बल्कि भारी मत उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए डिंपल यादव को लेकर बीजेपी ने बहुत कुछ कहा, बहुत सारे दावे किए डिंपल यादव को लेकर कि डिंपल यादव नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि बेशक देखिए कन्नौज से सांसद नहीं है लेकिन हार का मुंह उनको बहुत बार दिखाया गया है और डिंपल यादव बहुत कमजोर कैंडिडेट है, ये केशव प्रसाद मौर्य भी कह चुके थे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो रघुराज सिंह शाक्या को पछाड़ती हुई डिंपल यादव अपना जलवा कायम करती हुई नजर आ रही थी। मुलायम सिंह यादव के लिए अक्सर ये कहा जाता था कि जिसका जलवा कायम उसका नाम मुलायम, और मैनपुरी सीट से तो बाकायदा अभी भी मुलायम सिंह यादव का नाम उनके जलवे की वजह से ही याद रखा जाता है। लेकिन शायद अब मुलायम सिंह यादव के पदचिन्हों पर चलकर उनकी बहू डिंपल यादव ने भी इतिहास लिख दिया दोस्तों, इतिहास रच दिया है और 1,00,000 वोटों से आगे बढ़ती हुई इस वक्त डिंपल यादव नजर आ रही है। दोस्तों बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।